हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगे के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे। तो बात करते हैं साउथ अफ्रीका का प्रीमियर लीग एससी टी20 चल रहा है, जहां पे टूर्नामेंट के 22वें मैच में टेबल के दो टॉप टीम जो कि आमने सामने होंगे, जहां पे एक तरफ डरबन सुपर जायंट्स है तो वही दूसरी तरफ पाल्स रॉयल है। यह मैच 28 जनवरी को किंग्स मीट डरबन में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 27% रहेगा और टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 100% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 0% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, तो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 148 है, वही सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 119 है। अब अगर बात करते हैं दो टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहां पे डरबन सुपर जायंट्स एक मैच जीत के आ रही है, वहीं पांच रॉयल भी एक मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें ज्वाइन एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं पहली टीम डरबन सुपर जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम ने टूर्नामेंट के स्टार्ट में लगातार 3 मैच में जीत कर अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन लास्ट 2 गेम में टीम को हार मिली थी, फिर लास्ट के दो मैच फिर से जीत के आ रही है। टीम पॉइंट टेबल नंबर 1 पे स्टेबल। टीम लास्ट गेम में टीम ने पार्ल को ही हराया था। इस सीजन में केशव महाराज को मिली है टीम की कम्बान संभालने के लिए। टीम की बैटिंग ऑर्डर बहुत लॉन्ग है। टीम की ओपनिंग में जहां पे कॉन्टेंट डीकॉक हैं, बेटजी जो कि अच्छी स्टार्ट की जरूरत होगी। डीकॉक ने लास्ट गेम में 82 रन बनाए थे। बेटजी जो कि टीम के लीडिंग रन स्कोरर है। नंबर 3 पे जहां जेजे स्मूथ जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। टॉनी डे जॉर्ज जो कि लास्ट गेम में जल्दी आउट हो चुके थे। वहीं टीम के पास मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है, जहां पे मार्कस स्टोनी जो कि लास्ट गेम में जल्दी आउट हो गए थे। हेनरी क्लासर जो टीम के लिए लगातार रन भी बना रहे। वहीं बॉलिंग में बात करें तो लास्ट मैच में हिट चल रही थी, लास्ट गेम में टीम ने पार को 133 रन पे ही रोक दिया था। बॉलिंग अटैक में ऋषि टोपले जो न्यू बॉल से स्टार्ट विकेट दिला सकते हैं, नवीन हुलाक जो इस पिच पे इफेक्टिव है, नूर अहमद भी इफेक्टिव है, स्टोनिस भी लगातार विकेट ले रहे, उन्होंने 3 विकेट लिए थे। ड्वाइन पिटोरियस और महाराज के पास काफी एक्सपीरियंस और टीम को उनसे अच्छे स्पेल की उम्मीद होगी। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे केशव महाराज जो कि कप्तान है, क्विंटन डीकॉक है, मैथ्यू है, जेजे स्मूथ है, टॉनी डे जॉर्जी, मार्कस स्टोनिस, हेनरी क्लासन, कीमो पॉल, ऋषि टोपली, नवीन उलहक, नूर अहमद है। इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे क्विंटन डीकॉक है, हेनरी क्लासन है और केशव महाराज है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम पाल्स रॉयल का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम अभी तक लीग की सबसे बेस्ट टीम है। यहां पे टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और 7 मैच में से 5 जीत के साथ पॉइंट टेबल नंबर 2 पे स्टेबल है। टीम की ताकत उसकी बैटिंग है, लेकिन लास्ट गेम में टीम ने 133 पे ही ऑल आउट हो गई थी। डेविड मिलर जो टीम के कैप्टन है, ओपनिंग में बात करें तो जहां पे जॉस बटलर है, जेसन रॉय जो कि दोनों अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। बटलर टीम के लीडिंग रन स्कोर है, 7 मैच में उन्होंने 290 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में जहां पे विहान लूब एंड वन बुरेन है, ऑलराउंडर जहां पे फैब एलन एंड फेल्क्वाई जो अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। बॉलिंग टीम का बहुत स्ट्रॉन्ग है, फास्ट बॉलर जहां पे लुंगी नगेटी है, ओवेड माइको जो कि अच्छे लाइन लेंथ में बॉल डाल रहे हैं। नगेदिल टीम के लीडिंग विकेट टेकर है, अब तक उन्होंने 12 विकेट लिए। स्पिन डिपार्टमेंट में जहां पर तवेश समझी जो टीम को लीड करेंगे, विजन 40 पिच पे इफेक्टिव डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे जेसन रॉय है, जॉस बटलर है, लूपे वैन बुरेन है, डेविड मिलर, एंडी फेल्क्वाई, फैबियन बिजॉन 14, लुकिन नगेदी, तबेश शमसे, ओवेड मैकोय। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे डेविड मिलर है, जॉस बटलर और लुंगी नगेदी। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर के पास। आज के हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच डरबन सुपर जायंट्स होगा। यहां पे पाल्स रॉयल को हार मिल सकती है, क्योंकि डरबन सुपर जायंट्स जो कि फॉर्म में आ चुकी है और यहां पे पाल को हरा सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।